हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप कभी भी पटाखे नहीं चलाओगे, मतलब पटाखे चलाओगे पर इतने भी नहीं कि आपको बीमारी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज तो बहुत तेज पसीने निकला, इतना काम जो दे दिया था बॉयज ने। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं शॉपिंग में चलती हूँ, दिवाली आने वाली ना। नई नई ड्रेसेस, नए नए पटाखे जो कि लेटेस्ट ब्रांड से आए हैं। ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ गई। चलो कोई बात नहीं, नई नई शॉपिंग तो होगी ना। चलो चलो चलो। ये शॉपिंग के बाद तो कुछ अलग ही मजा है। चलो नए नए पटाखे खरीद ले रहा। चलो पटाखे फड़ाने चलती हूँ। ये 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 ओहो, नए नए पटाखे खरीद ली। ये बल्ले 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 बल्ले। नमस्ते आंटी, आप भी आ गई। ये पता नहीं खांसी कहाँ से आ गई, इतनी मुश्किल से सिर्फ पीछे छोड़ा था, वापिस आ गई। पता नहीं क्यों मेरे पास ही क्यों आती है। छोड़ो इन सब चीज़ों को, मैं जा रही हूँ घर, खांसी आ रही इतनी तरह से। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा, अब और कुछ नहीं हो सकता। कल जाती हूँ, आज ऐसे ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आ चुकी ना आपके पास, खांसी की थोड़ी दिक्कत हो गई है वापस से, कुछ इलाज बताइए। और हाँ एक और बात बताना तो भूल ही गई, हैप्पी दिवाली। हाँ मैंने ना कल बहुत सारे पटाखे चलाए, मैं सोच रही हूँ आज और कल तो और ही जलाऊंगी, परसों भी सोच रही हूँ थोड़े बहुत बचेंगे तो वो भी जलाऊंगी। हाँ तो अब बता दीजिए मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं। वाह वाह बेटा वाह, इन्हीं लोगों की तो कमी हो गई थी दुनिया में जो और ऐसे लोग आ गए। वाह चलाओ यहाँ पर ही जला लो, जलाओ ना जलाओ। अरे ऐसे लोगों को बहुत देख चुकी हूँ मैं, पटाखे छुड़ाते रहते हैं और अस्थमा करवाते रहते हैं। अब चलो टेस्ट करवाने, देखती हूँ तुम्हें अस्थमा हुआ है या फिर कुछ और बीमारी। चलो तुम्हें हो गया है अस्थमा, अब मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ। और हाँ इस प्रिस्क्रिप्शन में मैंने सारी दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा हैं वो लिखी हुई है, ये भी तुम्हें लेनी है खरीद के, ठीक है काउंटर है वहाँ पर ले लेना, ये इनका अमाउंट। और हाँ जो मैं अभी देने वाली हूँ इसका यहाँ पर सब कुछ है, खुद कर लो ठीक है। ये तुम्हारी मेडिसिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ इन्हें किस बेसिस पे लेना है। ये तुम्हारा पंप है ठीक है, इसे दिन में दो बार लेना है, रात को दो बार ठीक है। और हाँ एक हर एक टाइम पर तुम दो पंप्स लोगी ठीक है। ये तुम्हारे दो एक एक, एक मिलता ही है, एक एक्स्ट्रा भी दिया मैंने। और हाँ ये नेजल स्प्रे, ये इम्पोर्टेंट दवाइयों को अगर तुमने नहीं लिया तो समझ लो तुम्हारा अस्थमा नहीं ठीक होगा। और हाँ तुम अगर एक हफ्ते बाद मिलना मुझसे ठीक है। अब जाओ नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट। एक हफ्ते बाद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पहले आपके पास आई थी अस्थमा के लिए। अच्छा मेरे को बोल रही थी कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ नहीं हो रही, बहुत वैसा सा लगने लग गया कि कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ हो गई हैं, मेरे को कुछ दवाइयाँ कम करके दे दीजिए। हाँ 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 तुमने इतनी सारी दवाइयाँ इसीलिए ली हैं क्योंकि तुमने अपना काम ढंग से किया नहीं, तुमने इतने सारे पटाखे छुड़ाए। अब लो तुम्हारी ये दवाइयाँ कम कर दी हैं ठीक है, और जो तुम्हारा पंप दिया था ना वो बिल्कुल चलता रहेगा। नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट। तो देखा ना आपने उस औरत के साथ क्या हुआ। तो आप भी इस स्टोरी से लेसन ले लीजिए कि हमें इतने पटाखे नहीं छुड़ाने जिससे हमें बीमारी हुए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।